आरोपी अंसारी प्रमुख आरोपी बताया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, इसकी तस्वीरें जारी की गई हैं जो आज तक आपको दिखाएगा भी। ये है तस्वीर, दिल्ली हिंसा में 14 आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, गिरफ्तारी 14 की हुई है अब तक। लेकिन जो प्रमुख आरोपी इसमें अंसार बताया जा रहा है, जो अपने कुछ साथियों के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचा था और इसने पहले बहस शुरू की, उसके बाद बवाल हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पिस्टल से फायरिंग हुई, तलवारें दिखी, तमाम धारदार हथियार दिखे। अंसार ने ही पहले फायरिंग की थी, ये जानकारी मिली है और यही है ये अंसार आपके सामने तस्वीरें। ये अंसार है, कल जो फायरिंग हुई थी, कल जो हिंसा हुई थी उसकी तस्वीरें भी आप साथ साथ देख लीजिए। अब इसका चेहरा सार्वजनिक कर दिया गया है, उजागर कर दिया गया है। यही है दिल्ली हिंसा को भड़काने वाला वो शख्स। बवाल की शुरुआत बताया जा रहा है कि इसी ने की और उसके बाद से क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। 8 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जबकि एक अन्य शख्स भी वहां पर घायल है। एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। अरविंद, दिल्ली पुलिस ने शिनाख्त कर ली है, प्रमुख तो ये जो है अंसार बताया जा रहा है, इसके अलावा और कौन कौन है और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी जरा बताएं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपनी FIR में इस पूरी हिंसा का एक तरीके से मास्टरमाइंड अगर किसी को बताया है तो अंसार को बताया, और अंसार के घर पर ही हम इस वक्त मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, जहां हिंसा हुई है वहां से कुछ दूरी पर अंसार का ये घर है। मूलतः जो अंसार वेस्ट बंगाल के हल्दिया का अभी बताया जा रहा है जैसी हमें जानकारी मिली है, और जैसा कि FIR में जिक्र है कि जो अंसार है वही सबसे पहले मौके पर पहुंचा था, शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और हिंसा भड़की। जो पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि अंसार के परिवार में सभी लोग अभी फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है, बहुत मुमकिन है कि पुलिस का डर हो। पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं, सर अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, ये अंसार क्या काम करता है, किस तरह का इसका व्यवहार है? देखो जी, काम करता मेरे को पता नहीं, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, इतना मेल है हमारा इनका। अच्छा, मतलब पड़ोसी अच्छे हैं हमारे सर, कोई बात नहीं है, कोई बात। तो अभी क्या परिवार के लोग कहाँ है? अभी तो यहीं से ही है, थोड़ी देर पहले। अच्छा, मीडिया वाले से जब यहीं पर थे। अच्छा। तीन लड़की है, इसके दो लड़के हैं। तो देखिए, फिलहाल जो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है और ये बताया, हम एक और है, क्या करता है अंसार, कहाँ का रहने वाला है इसके बारे में? बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। अच्छा, क्या काम करता है? मोबाइल की दुकान है उनकी। तो दिल्ली पुलिस बता रही है कि ये जो पूरी हिंसा हुई उसका मेन मास्टरमाइंड है? नहीं नहीं, मेन मास्टरमाइंड कुछ नहीं। अच्छा, वो कॉपरेट मैन है, कॉपरेट करता है सबको। अच्छा, सब मन कितने साल से जानते? 2 साल से जान रहे। कल जब हिंसा हुई, कल मुलाकात हुई थी अंसार को देखा? चार बजे मुलाकात हुई थी। 4 बजे मुलाकात जी, उसके बाद ही हिंसा भड़की? उसके बाद हिंसा भड़की नहीं, मतलब वो मालूम हुआ कि वहाँ दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो वो गए उनको देखने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं, जो पड़ोसी है, जो उनके जानकार है अंसार के, उनका कहना है कि जब हिंसा भड़की तब अंसार यहाँ से निकला, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौजूद लोगों से पूछे कि और कितने लोगों को अपने साथ लेकर गया था अंसार। और क्या अंसार, देखिए जो FIR है उसके मुताबिक 4 से 5 इस पूरी घटना की जो शुरुआत हुई FIR के मुताबिक, वो दरअसल शोभा यात्रा निकल रही थी, और जैसा FIR में जिक्र है कि अंसार 3 से 4 लड़कों के साथ जाता है, बहस होती है, उसके बाद हिंसा भड़कती है। क्या अंसार वहां और भी लोगों के साथ गया था, ऐसी कोई जानकारी? यहां से अकेले गए हुए थे। अच्छा, देखने को मालूम हुआ कि वहां रिलेशन हो रहा, वहां रिलेशन है उनका। कहां रिलेशन? सी ब्लॉक में। अच्छा, तो भागे हुए चले गए दौड़े दौड़े, बदरेशन हो गया, उसके बाद गए हैं यहाँ से। अच्छा, तो देखिए, ये जो इनके जानकार हैं, इनका कहना है, इनका दावा है कि जो वॉयलेंस हुआ तब वहाँ पे चले गए। दरअसल सी ब्लॉक जो सड़क के बेहद नजदीक है, जहाँ पर हिंसा हुई वहाँ अंसार के रिलेटिव रहते हैं, यानी कि अपने गली से, अपने घर से वो अकेला ही निकला। अरविंद, आप भी हमारे साथ बने रहे।